हेलो एवरीवन, इस वीडियो में कुछ विशेष प्रावधान वाले राज्यों से जुड़े अनुच्छेदों को हम याद करने वाले हैं। अगले 5 मिनट में ये सारे आर्टिकल आपको याद होंगे, ये मेरा वादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम को बचाते हुए, समय को बचाते हुए। तो आर्टिकल 371 आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आर्टिकल 371 ये महाराष्ट्र एंड गुजरात से रिलेटेड है। केवल इसका आपको ट्रिक नहीं मिलेगा, बाकी सारे का ट्रिक है। ओके, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपको खुद याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 371A, आर्टिकल 371A ए ओके। तो ये जो है नागालैंड से जुड़ा हुआ है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो ट्रिक क्या है, ए मीन्स अंगा, अंगा यानी कि कमीज को कहते हैं, यानी कपड़ा जो हम लोग शर्ट पहनते हैं उसको क्या कहते हैं, अंगा। तो जो अंगा नहीं पहना है समझ लीजिए वो क्या है, नंगा है। ओके, 1 मिनट। हाँ, तो जो अंगा नहीं पहना है वो क्या है, नंगा है। जो अंगा नहीं पहना है वो नंगा है। तो ये हो गया आर्टिकल 371A यानी कि नंगा यानी कि नागालैंड। आर्टिकल 371B किससे जुड़ा है, तो ये असम से संबंधित है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, बी फॉर बोडोलैंड। बोडोलैंड एक असम में जगह का नाम है। ओके, आप आए दिन हमेशा न्यूज़ में सुनते होंगे बोडोलैंड इश्यूज़। ओके, रिसेंट भी कई इश्यूज़ इनसे जुड़े रहे थे बोडोलैंड को लेकर, यहाँ पे जो इंसर्जेंसी वगैरह का मामला है, तो वो सब के कारण ये इशू में रहा था। तो आप बेसिकली ये याद रख सकते हैं कि बोडोलैंड असम में है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आर्टिकल 371C ये मणिपुर से रिलेटेड है। इसको कैसे याद रखेंगे, तो सी है, सी फिर सी मीन्स करेंसी, करेंसी यानी कि मनी, मनी यानी कि पैसा। ओके, तो यानी करेंसी क्या होता है, मनी होता है। तो इसको हम इस तरह से याद रख सकते हैं, सी को हम लोग मनी यानी कि मणिपुर। आर्टिकल 371D एंड E ये दोनों आर्टिकल आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए हैं। आर्टिकल 371D एंड E आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए हैं। इसे कैसे याद रखेंगे, ED। ओके, तो ED यानी कि एक्सट्रीम डिजास्टर। देखते हैं आप, हमेशा साइक्लोन वगैरह आते हैं, तो आंध्र प्रदेश चूंकि कोस्टल रीजन में है तो ये प्रभावित होते ही रहते हैं। ठीक है, यानी कि एक्सट्रीम डिजास्टर से झेलना पड़ता है इनको, जिसके कारण क्या होता है, जब भी एक्सट्रीम डिजास्टर आते हैं तो अंधड़ पानी अपने साथ ले के आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अंधड़ पानी यानी कि आंध्र प्रदेश। आर्टिकल 371F ये क्या है, ये रिलेटेड है सिक्किम से। एफ रिलेटेड है सिक्किम से। इसका ट्रिक क्या है, एफ बोले तो फीवर, फीवर यानी कि बुखार। जब भी आपको फीवर आती है यानी कि बुखार आती है, तो आप हमेशा सिकनेस महसूस करने लगते हैं यानी कि कमजोरी। ओके, तो सिकनेस यानी कि सिक्किम। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि फीवर आया, फीवर से हमें हमें सिकनेस हुआ, और सिकनेस हुआ यानी कि हम सिक्किम में हैं, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं हम, आर्टिकल 371G। तो जी जो है मिजोरम से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, मिजोरम से। इसे कैसे याद रखेंगे, इसका सिंपल सा ट्रिक है, जी फॉर गेम। तो गेम खेलने में हमें मज़ा आता है, आता है कि नहीं आपको, आता है, ऑब्वियसली आता होगा मज़ा। ठीक है, तो हमें गेम खेलने में बहुत ही मज़ा आता है, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं जी फॉर गेम। ओके, 1 मिनट यार, सेटअप में। हाँ, तो जी फॉर गेम, तो ये जुड़ा हुआ, गेम खेलने में मज़ा आता है, मज़ा यानी कि मिजोरम। ओके, तो जी हो गया मेरा कंप्लीट। एंड अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एच की तरफ। तो आर्टिकल 371H किससे जुड़ा हुआ है, एच कहने का मतलब ये जो है अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है। और एच बोले तो क्या, हॉटस्पॉट। तो आप जब भी आप इन्वायरमेंट पढ़ रहे होंगे तो आप पढ़े होंगे कि हमारे देश में कुछ 3-4 ऐसे क्षेत्र जोन है जो हॉटस्पॉट है। ठीक है, जिनमें एक अरुणाचल प्रदेश भी आता है। ठीक है, तो ये हॉटस्पॉट है यानी कि जैव बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट।
तो इस तरह से याद कर सकते हैं। अगर आपको ये डिफिकल्ट डिफिकल्ट लगते हैं तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। एच मतलब हाई टेंशन, क्या हाई टेंशन किसके किसके बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में। तो आप हमेशा देखते होंगे कि अरुणाचल प्रदेश जो बॉर्डर लगता है हमारा चाइना और इंडिया के साथ, तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश को लेके हमेशा बॉर्डर डिस्प्यूट या बॉर्डर टेंशन होते रहते हैं इंडिया और चाइना के बीच में। तो हम एच को इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि हाई टेंशन है किसके बीच में, इंडिया और चाइना। तो हमेशा हाई टेंशन कहाँ होता है, तो अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे। ओके, तो ये भी हो गया आपका कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 371 I की तरफ। आई मतलब इंडिगो, गो आप देख रहे हो, गो मतलब गोवा, यानी कि ये जुड़ा हुआ है आपका किससे, गोवा से। आर्टिकल 371 I आपका गोवा से जुड़ा हुआ है। कैसे, आई मीन्स इंडिगो, इंडिगो गो, लास्ट में गो लगा हुआ है यानी गोवा। उसी तरह आपका आर्टिकल 371 J है। तो जे क्या है, जे बोले तो क्या, जे मतलब जोग, जोग वाटरफॉल आप देखे होंगे कि कर्नाटक में है, ठीक है। तो जोग जो वाटरफॉल है वो कर्नाटक में है। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि कर्नाटक रिलेटेड है आर्टिकल 371 J से। ओके, तो आई होप कि आपको ये याद हो गया होगा। अगर नहीं याद हुआ तो एक बार फिर से इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके आप देख लें, तो आपको पक्का है कि याद हो जाएंगे। ओके, तो आई होप को आपको अच्छा लगा होगा। एक बार मैं आपको इसको जूम करके दिखा दूं, क्योंकि वीडियो का क्वालिटी अगर अच्छा नहीं आ रहा होगा तो आपको नहीं दिख रहा होगा। ओके, तो आप देख पा रहे होंगे इस तरह से, ये जूम मैंने कर दिया है। तो आप देख पा रहे होंगे आर्टिकल 371 है, 370 A है, जो नागालैंड से जुड़ा हुआ है, अंगा यानी कि कमीज, नंगा, असम, बोडोलैंड असम, 371 C है, मणिपुर, करेंसी यानी मनी। आर्टिकल 371 DE है, जिसका ट्रिक है ED, यानी कि एक्सट्रीम डिजास्टर में अंधड़ पानी आना, यानी कि आंध्र प्रदेश। आर्टिकल 371 F क्या है, सिक्किम से जुड़ा हुआ है, एफ यानी कि फीवर से सिकनेस होता है, कमजोरी होता है, सिकनेस मतलब सिक्किम। एंड जी हो गया आपका मिजोरम, गेम खेलने में हमें मज़ा आता है, मज़ा यानी मिजोरम। एच हो गया आपका हॉटस्पॉट, या कह लें हाई टेंशन एरिया इंडिया एंड चाइना के बीच में। तो ये अरुणाचल प्रदेश में हमेशा इंडिया के साथ चाइना का हाई टेंशन बॉर्डर डिस्प्यूट होते रहता है। आई हो गया आपका इंडिगो, इंडिगो यानी कि गोवा, गोवा चूंकि लगा हुआ है, गो लगा हुआ लास्ट में। जे हो गया आपका क्या, जोग जलप्रपात यानी कि जोग वाटरफॉल, जो कि आपका कर्नाटक से जुड़ा हुआ है। ओके, तो सॉरी, तो आप देख पा रहे होंगे, आप इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे इस तरह से मैं कर देता हूँ, इधर भी आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। ओके, तो ये इस तरह से आपका वीडियो ख़त्म होता है। और आई होप कोई आपको पसंद आया होगा यह वीडियो, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, और किसी भी तरह का आपको ट्रिक चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करिए, ताकि मैं अगला वीडियो आपके लिए बनाऊं। ओके, थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।